नमस्कार मित्रों, हरियाणा आज के कार्यक्रम में फिर आपके साथ आज की मुलाकात। जैसा हम जानते हैं कि कोरोना का ये विषय, ये महामारी देश और दुनिया में बढ़ रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि हरियाणा में हमने इसको आगे बढ़ने से एक प्रकार से रोका है। हमें रोकने में सफलता मिल रही है। पूर्व में घटना हुई कि मरकज के जो तबलीगी लोग थे उनके कारण से हमारे यहाँ संख्या बढ़ी। वो संख्या न बढ़ती तो आज हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। आज हमारे यहाँ 308 टोटल केसेस हैं, जो 4 मार्च से इस समय तक के लिए 224 लोग इसमें से रिकवर हो गए हैं। इसकी प्रतिशत 72.72% है, जो देश के सभी प्रांतों में केरल को छोड़कर के सर्वाधिक है। हमारे यहाँ डबलिंग रेट भी 21 दिन का है, जो केंद्रीय स्तर के ऊपर 8 दिन का ये डबलिंग रेट है। तो हमारे यहाँ गति एक प्रकार की बहुत, हमने सामान्य बल्कि सामान्य से भी कम आगे कोरोना की बीमारी का जो फैलने का गति है उसको रोका हुआ है। एक्टिव केस मात्र 81 हैं। 3 बंधुओं की मृत्यु हुई है जिसका हमें दुख है। ये जो फेटलिटी रेट है ये भी 1% से कम हो गया है। ये सब और अच्छी अपेक्षा हम करते हैं, परंतु एक नया तथ्य वो भी सामने आया है कि प्रदेश का साथ लगता हमारा राजधानी प्रदेश दिल्ली, वहाँ संख्या एक प्रकार से बढ़ रही है और उनकी गति बहुत तेज है। दिल्ली आने जाने वाले लोग हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में, 4 जिले हमारे साथ लगते हैं, सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। ध्यान में आया कि पिछले 6 दिन में इन जिलों के अंदर 28 केस ऐसे आ गए हैं जो दिल्ली के कर्मचारी अथवा उनके परिवार के लोग या उनके मिलने जुलने वाले लोग, एक बड़ी संख्या जुड़ गई है जिसका हमको बहुत सावधानी पूर्वक मुकाबला भी करना है। हमने कठोर निर्णय लिया है कि दिल्ली के साथ अपने जितने बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए, और ये सख्ती बॉर्डर इसलिए करनी पड़ रही है कि यदि हम न करें तो वास्तव में जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जाए। हम कोरोना को लड़ने के लिए इसको रोक रहे हैं, हम कोरोना से डर नहीं रहे हैं। लेकिन जब लड़ाई लड़नी है तो कितनी सहानुभूति हमारी अपने बंधुओं के साथ हो, लेकिन हमें सख्ती करनी पड़ेगी आत्मसुरक्षा के नाते से। हम कोरोना को दिल्ली से हरियाणा में किसी भी कारण से किसी प्रकार से नहीं घुसने देंगे। हमने जितने लोगों का आवागमन है उसको रुकवा दिया है। केवल ऐसी सेवाएं जो बहुत असेंशियल हैं, अर्थात सब्जी जैसी चीज़, दूध जैसी चीज़, उसमें भी केवल ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति, इनको ही जाने की अनुमति होगी। वापस आने पर ये होम क्वारंटाइन रहेंगे ताकि किसी के साथ इनका संपर्क न बने। कर्मचारी अगर उनकी ड्यूटी दिल्ली में है, दिल्ली रह सकते हैं अथवा घर आकर छुट्टी लेकर घर में होम क्वारंटाइन रह सकते हैं। बाकी भी सब व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं, तो भी हमने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को इस प्रकार के अधिकार दिए हैं कि वो को बहुत ऐसा अनिवार्य यदि कोई आवागमन का मामला होगा तो उसी को वो करेंगे, वरना ये जो इन्फेक्शन है इसको हम हरियाणा में नहीं बढ़ने देंगे। ये हमारा संकल्प है। हमने निश्चित रूप से, जैसा कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात हम इस सावधानी को बरतेंगे। प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, इस प्रिकॉशन के आधार के ऊपर ही हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, ये सब करते हुए बहुत से ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हमने लगाई है। कहते हैं कड़वी दवा वो बीमारी को ठीक करने के लिए आवश्यक होती है। इस कड़वी दवा के कारण से हमें जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को हम लोगों को सहन करना पड़ेगा और इस क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को हमको रोकना पड़ेगा। एक विषय कर्मचारी यूनियंस, हमने कल ही प्रदेश की सभी प्रमुख कर्मचारी यूनियंस को बुलाया था, उनसे बुला करके बातचीत की। क्योंकि प्रदेश में आखिर जो व्यवस्थाएं हैं वो कर्मचारियों के आधार पर ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है इस बात की, मैं बधाई देता हूं अपने सब कर्मचारियों को कि उन्होंने कोरोना को फैलने से रोका है। सभी विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो,
पुलिस विभाग हो, सफाई कर्मचारी हो, ये सब लोग हमारे इस काम में एक प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को लागू करने में, सूचनाओं का पालन कराने में लगे हुए हैं। घर घर जा करके समझाने का काम चाहे हमारी आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी बहनें हैं, वो सब जा करके कर रही हैं। जन जागरण का काम करने से ही लोगों में लगता है कि हाँ, हमारा प्रशासन सहयोग कर रहा है। हमने इन कर्मचारी यूनियन के माध्यम से अपने सब कर्मचारी भाई बहनों का धन्यवाद भी किया है और कर्मचारी यूनियंस ने हमको एक विश्वास भी दिलाया है कि ऐसे संकट की घड़ी के अंदर हमारे जितने कर्मचारी हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये संकट अपने आप में एक बहुत ही ऐसा विषय है जो पहले कभी किसी ने देखा नहीं। ऐसे अवसर पर हमारा हरियाणा का पूरा परिवार सब मिल करके इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारी उसमें अग्रणी हैं। साथ ही कर्मचारी जो यूनियंस बंधु थे उनसे बातचीत हुई कि हम लोगों को आखिर कुछ ना कुछ आर्थिक अपनी जो गतिविधियां हैं उसको भी बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि 20 अप्रैल को हमको अपनी गतिविधियां ये बढ़ानी है और इन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जितने भी छूट हमने पहले दी थी उस छूट को और थोड़ा बढ़ाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। तो उस छूट को बढ़ाने के लिए हमने जो अभी तक निर्णय किए हैं उनमें से कुछ निर्णय आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जितने हमारे भट्ठे हैं, जो ब्रिक किलन्स हैं, उनको सबने हमने खुलवा दिया है। लगभग 2,07,000 ऐसे कर्मचारी जो है उसमें वहाँ काम कर रहे हैं, मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो उद्योग हैं उनको भी MHA की गाइडलाइंस, गृह विभाग मंत्रालय की जो दिशा निर्देश है उनके अनुरूप खोलने का काम हमने किया है। और हमारा एक अनुमान है, एक आंकड़ा है कि लगभग 5.5 लाख मजदूर और कर्मचारी वो 20 अप्रैल के बाद काम में लग गए हैं। लेकिन कल से ही इसका जो तीसरा फेज है इसको भी हमने शुरू करने के लिए कह दिया है। इसमें पूरे प्रदेश को दो हिस्सों में बांटा है। एक 15 जिले वो हैं जहाँ कोरोना का प्रभाव कम है, 7 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना का प्रभाव पिछले महीने में अप्रैल के महीने में वो ज़्यादा बढ़ करके दिखा है। जिन 7 जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद और इसके साथ पलवल, नू जिला, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला, ऐसे 7 जिले हैं। तो इन 7 जिलों में हम योजना अपनी ब्लॉक अथवा टाउन के हिसाब से बनाएंगे, शेष 15 जिलों में पूरे जिले के हिसाब से ही हम उस योजना को सारे को रखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाते से जितने भी इन सीटू उद्योग हैं, अर्थात कर्मचारी उद्योग के स्थान पर उसी परिसर में रहते हैं, दिन रात वहीं काम भी वहीं करते हैं, रहने का स्थान भी उनका वही है, वहाँ सभी कर्मचारियों को कार्य करने की छूट होगी, उसके अंदर सब लोग काम करेंगे। शेष IT क्षेत्र के अंदर 33% यह हमने 33% की छूट उनको दी है कि 33% कर्मचारियों के साथ अपना उद्योग चलाएं। शेष अन्य 50% की छूट के साथ ये लोग अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो सभी जिले 15 जिलों के अंदर बात करें या जो 7 जिले हैं उसमें ब्लॉक के हिसाब से उन ब्लॉक्स में छूट दी गई है जहां 10 या इससे कम कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनकी संख्या रही हो, जहां 10 या इससे अधिक पिछले महीने में संख्या रही है वहां पर थोड़ा सा सख्ती इसलिए बरतनी पड़ेगी ताकि कोरोना का वहां फैलाव न हो। वहां जो हमारे कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन में तो कोई गतिविधि चालू नहीं होगी, लेकिन बाकी जगह पर गतिविधियां ये चालू होंगी। दुकानें भी शहरों में, मोहल्ले की दुकानें और जहां कहीं केवल अकेली दुकान है, ऐसे स्थान पर जो मार्केट का हिस्सा नहीं है, इन दुकानों को छूट दी गई है। गांव में सभी दुकानों को, छोटी बड़ी सब दुकानों को खोल दिया गया है। ये भी सब जो भी हमारी गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ये हमने सब कुछ किया है। एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि जो उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से अपने कम मजदूरों से काम चलाने के लिए आगे आएंगे, अर्थात 50% की जो संख्या उनको बताई गई है उसी से अपना उद्योग चलाएंगे, वहाँ उनके वर्किंग आवर्स में उनको छूट दी गई है कि वो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे तक भी उन मजदूरों से काम ले सकते हैं। लेकिन ये जो धारा 59 है, ये जो एक्ट है हमारा कारखाना अधिनियम 1948, इसकी धारा 59 के अनुसार उन सबको अतिरिक्त 4 घंटों का जो वेतन है, अर्थात ओवर टाइम का वेतन, ये डबल देना होगा। और इस नाते से
एक कर्मचारी से 12 घंटे तक भी काम करने की सहमति वो लोग बना सकते हैं, ये भी एक छूट उनको दी गई है। मित्रों, इसी प्रकार उद्योग को हम लोगों ने खोलने के जो प्रावधान किए हैं उसमें मुझे लगता है कि हमारा जो दूसरा चरण है उद्योग खोलने का, उसके अंदर अधिक से अधिक खोले जाएंगे उद्योग। इसके बाद जहां कहीं कोरोना के केसेस ज्यादा हैं वो तीसरे चरण में 3 मई के बाद उनको और छूट दी जाएगी। उस समय तक हमारी सब गति इस प्रकार की ध्यान में आएगी कि किस गति से हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना को हम रोक पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको हम खोलेंगे। विषय है प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर हमारे हरियाणा में भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर उद्योग में लगे हुए थे, खेतों में काम कर रहे थे। अचानक इनको जब एक विषय लॉकडाउन का आया तो घर जाने के लिए इन्होंने अपनी तैयारी की, लेकिन चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से इनका एक साथ घर जाना संभव नहीं था, हमने इनके लिए माइग्रेंट कैंप्स बनाए और उन माइग्रेंट कैंप्स में लगभग 15,500 मजदूरों को 20-22 दिन वहां रहने के लिए कर्मचारियों ने, वहां पर संस्थाओं ने, सब लोगों ने सहयोग किया। और इसके बाद एक क्वारंटाइन का पीरियड पूरा होने के बाद परस्पर प्रदेशों में जो भी ऐसे लोग रुके थे उन्होंने अपने अपने घर जाने के लिए जब इंतजाम हमने किए तो घर जाने लगे हैं। और उन 15 दिनों के अंदर हरियाणा में हमने कम से कम ऐसे जितने प्रवासी मजदूर थे उन भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होने दी, बल्कि सेवा भाव से उनका जब सेवा की गई और जाने लगे तो भावनात्मक तरीके के भी दृश्य ध्यान में आए कि जब उस कैंप को छोड़कर के जा रहे थे तो जाते समय ऐसा भी ध्यान में आया कि वहां के कर्मचारियों के पैर तक उन्होंने छुए। और जब उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमें परिवार के अंदर भी जितनी सेवा भाव और जितना हमको प्रेम स्नेह प्यार मिलता है उससे ज्यादा प्यार हमको मिला है, और एक परिवार से जैसे बिछड़ना होता है इस प्रकार के बिछड़ने का उनका जो एक दृश्य ध्यान में आ रहा है। ये सब मजदूर, हमको इनको मजदूर कहते हैं ऐसा नहीं है, हमारी इस प्रदेश की एक प्रकार की मजबूती के ये अंग हैं, और इस मजबूती को लाने के लिए हरियाणा में जो इन्होंने काम किया आगे दोबारा से फिर वो काम करने आए ऐसी हमारी इच्छा है। किन्हीं कारणों से अपने प्रदेशों में भी काम करते हैं तो उनका सबका 15-15, 20-20 वर्षों से जो यहाँ काम करके गए हैं हरियाणा के निर्माण में उन्होंने सहयोग किया है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, उनका आभारी भी हूँ कि अपने सब लोगों का उन्होंने ध्यान रखा है। अभी भी जो मजदूर यहाँ शेष बचे हैं, बहुत लोग कटाई के काम के लिए आए हुए हैं, ऐसे कटाई के काम वाले सभी कटाई करने के बाद इन लोगों को सबका ध्यान रखा जाएगा, जब भी कोई उचित अवसर आएगा तो इनको इनके घरों में वापस भेजा जाएगा। जब तक इनको यहाँ रहने के लिए कहा जाता है तब तक यहाँ रहें, इनकी सबकी व्यवस्था, इनके भोजन की, खाने की, पीने की सब व्यवस्थाएं यहाँ उनको उचित ढंग से की जाएंगी, एक परिवार की तरह की जाएंगी। हमारे ये अपने अंग हैं, हमारे हरियाणा के जैसे लोग होते हैं वैसे ही हमारे लिए भाई हैं, भ्रातृभाव से हम लोग इनकी सेवा करेंगे, किसी प्रकार की चिंता इनको नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं इनको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। हरियाणा में चूँकि हमको पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति, इस आर्थिक स्थिति का एक विषय सबके सामने मैंने खुले रूप से रखा है, आज मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि हमको हरियाणा में अपने खर्चे कम करने होंगे, हमको अपनी आय किसी न किसी रूप में बढ़ानी होगी। इस आय को बढ़ाने के लिए हमारे जो मंत्रीगण हैं, बाकी सब लोग हैं, जैसे जैसे सुझाव आ रहे हैं उस हिसाब से उन सुझावों के ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन एक विषय मैंने जो थोड़ा संकेत किया था कि हम जो अपनी भर्तियां हैं उन भर्तियों में यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां आवश्यकता नहीं है वहीं नहीं करेंगे, बाकी जगह आवश्यकता जहां है उनकी भर्तियां चालू रहेंगी। और प्रदेश में भी जो भर्तियां हमने की हैं, अगर हम पिछले 5-6 साल का हिसाब लगाते हैं तो इन 5-5.5 साल के अंदर हमारी अभी तक 73,500 भर्तियां ये हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के कारण से हुई हैं, और अभी भी 12,500 ऐसी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट आना शेष है। यदि रिजल्ट आया है तो उनकी काउंसलिंग करनी है, स्क्रीनिंग करनी है, वो शेष है। ये सब काम जो पाइपलाइन में है ये पूरे के पूरे होंगे, इनको किसी को रोका नहीं जाएगा। और इन 12,500 को मैं जोड़ता हूं तो ये 86,000 भर्तियां हमने पिछले 5-5.5 वर्ष में की हैं, और ये हमने कभी भर्तियों के कारण किसी कारण से रोका नहीं है, जो खाली पोस्ट है जितनी भी आवश्यकता है उनको सबको हमने किया है। लेकिन अगर पिछले हमारे 6 साल से पहले 10 साल का हिसाब में लगाता हूं
तो चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, 10 साल के पूरे काल कार्यकाल में भी 86,000 भर्तियां हुई थी, अर्थात वो 10 साल का कार्यकाल और हमारा 5.5 साल का कार्यकाल, ये बराबर भर्तियां कर चुके हैं। आगे 4.5 साल भी जो बचा है समय, उसके अंदर भरपूर भर्तियां की जाएंगी। लेकिन वर्तमान समय ऐसा है, जब सोशल डिस्टेंसिंग है, जब ट्रांसपोर्ट के साधन बंद हैं, परीक्षाएं हम करा नहीं सकते हैं, हमारे तो जो स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, प्लस टू के विद्यार्थी, इनकी परीक्षाएं वो सब शेष हैं, और इस एक विशेष परिस्थिति के कारण से उनकी परीक्षाएं भी हम करा नहीं पा रहे हैं। इनकी परीक्षाएं कराने का अवसर जैसे हमें मिलेगा, जैसे ही वातावरण अनुकूल होगा, सब स्थितियां ठीक होंगी, केवल उस समय तक ही ये प्रतिबंध रहेगा, जब तक ये परिस्थितियां ठीक नहीं होती हैं। परिस्थितियां ठीक होने के बाद ये सब काम निश्चित कराएंगे। आप अपने घर पर बैठ करके, जो ऐसे बंधु अपने किसी इंटरव्यू के लिए, अपने किसी परीक्षा के लिए, जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, भरपूर समय है, वो इसकी तैयारी करें, और इसके कारण से उनको किसी प्रकार का ये कोई कठिनाई नहीं आएगी। मित्रों, क्योंकि समय ऐसा विशेष है, इस समय विशेष में हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ अपने बंधन अगर अपने ऊपर लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत लाभ मिलने वाला है। मैं तो एक ही बात हरियाणा सरकार की ओर से कह सकता हूं कि जब मैंने अपने मित्रों से, साथियों के सामने सब विषय रखे, तो उन्होंने इसको बखूबी सहयोग करने का जो एक प्रकार से संकल्प दोहराया, जिसके कारण से मुझे बताते हुए आपको संतोष हो रहा है कि सभी 90 विधायक, उसमें 13 मंत्री हैं, 77 एमएलएज हैं, उन सब लोगों ने अपनी एक महीने की तनख्वाह, सैलरी, ये पूरी की पूरी कोरोना रिलीफ फंड के अंदर ये डाल दी थी। और न केवल इस एक महीने की सैलरी उन्होंने दी है, बल्कि आगे एक साल अर्थात अप्रैल से लेकर अगली मार्च 2021 तक पूरे एक वर्ष 30% सैलरी का अपना कट लगवा दिया है, कि 30% की सैलरी हमारी कम कर दी जाए ताकि सरकारी खर्चों को कम किया जाए। मंत्री बंधुओं से जब अलग से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो डिस्क्रिशनरी कोटा है, जो हम समय समय पर अपने हाथ में लेकर के खर्च करते हैं, ऐसी राशि जो 100 करोड़ रुपए से ऊपर है, उसमें से सब बंधुओं ने ये विचार किया कि हमको इस राशि को कम करना चाहिए। तो मुझे ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि कुल मिलाकर सभी मंत्री, हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारे गवर्नर महोदय, सब लोगों ने मिलकर 51 करोड़ रुपए की राशि इस बार कम खर्च करने का और एक अपना संकल्प दोहराया है, ताकि हमारे सरकारी खर्च में इसका एक प्रकार से बचत हो सके। ये सब काम किए सभी बोर्ड्स के, कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी एक महीने की अपनी जो सैलरी है वो कंट्रीब्यूट कर दी है। एक्सएमएलएज, उनकी पेंशन, 42 एक्सएमएलएज हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ एक्सएमएलएज ऐसे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी अपनी पेंशन एक महीने की ये इस बार कोरोना रिलीफ फंड में डाली है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। तो इस प्रकार से हमारे राजनीतिक लोगों ने कुल मिलाकर करोड़ों रुपए का कोरोना रिलीफ फंड में या सरकारी धन के अंदर जो एक प्रकार से बचत कराई है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आजकल हमको पता है कि मंडियों में प्रोक्योरमेंट चल रही है, प्रोक्योरमेंट का समय ये भी किसान के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, आढ़ती के लिए, ग्रामीण जनजीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक अवसर होता है। इसमें इस बार हमको थोड़ा कठिनाई आई है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, हमने इन मंडियों की संख्या ज़्यादा की है। पहली बार ये प्रयोग हुआ है कि गेहूँ 400 के बजाय 1800 मंडी और परचेज सेंटर्स के ऊपर ये कराया जा रहा है। स्वाभाविक है, इतना विस्तार, चूंकि वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, नई व्यवस्थाएं बनानी थी, प्रारंभ के 2-3 दिन कठिनाई आना स्वाभाविक था। संयोग से वर्षा बीच में आई, ओले भी कई जगह पड़े, उसके लिए भी हमको सब कुछ संभाल करके अपनी व्यवस्थाएं ठीक करनी थी। कुछ आड़तियों के साथ भी हमारा एक विवाद हुआ था, बाद में उसको सुलझा लिया गया, और उस सारे विषय को ठीक करते हुए हमारी प्रोक्योरमेंट बहुत ठीक प्रकार से चल रही है। अभी तक सरसों कुल मिलाकर 3,20,000 मेट्रिक टन ये खरीदी जा चुकी है। इसी प्रकार गेहूं 30 लाख से ऊपर मेट्रिक टन ये मंडियों में आ चुकी है। सरसों की पेमेंट प्रारंभ हो चुकी है, 527 करोड़ रुपए की पेमेंट दी जा चुकी है, जो 47,000 किसानों को मिली है। गेहूं की ये जो पेमेंट है वो आज शुरू कर दी जाएगी, आने वाले 2 दिनों में जिन लोगों ने गेहूं 1-3 दिन पहले बेची है, उन सबको गेहूं का पैसा ये मिल जाएगा। और इस प्रकार से इस सारे विषय को सारे सुचारू ढंग से हम लोग आगे करेंगे। मुझे एक ही बात आप लोगों को कहनी है,
कि ये समय बहुत विशेष प्रकार का समय है। इस समय में जैसा हम जानते हैं कि जब भी कोई चलती हुई गाड़ी रुकती है, रुकना के कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जब उसको शुरू किया जाता है तो जब शुरू करते हैं तो गाड़ी एक साथ एकदम नहीं दौड़ती है, उसको प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करने के बाद उसका पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, गरारी में गरारी फंसते चली जाती है, गियर बढ़ते चले जाते हैं, पहिए अपनी गति पकड़ते चले जाते हैं, और जब सब पहिए गति पकड़ते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है, तो पांचवें गियर तक गाड़ी फुल स्पीड में आती है। हम भी कुल मिलाकर के इस कोरोना के कारण से जो हमारे सारे सिस्टम को, पूरे समाज को एक ब्रेक लगा था, एक थम सी गई थी जिंदगी, जिंदगी थमी, यानी एक प्रकार से इसको कहना चाहिए कि हमारी जिंदगी यानी थमी है, ये बंद नहीं हुई है। इस थमी हुई जिंदगी को एक रुकी हुई गाड़ी की तरह आगे जैसे चलाया जाता है वैसे हम चलाएंगे। अब आज ये मान के चलें कि जैसे 20 अप्रैल को हमने अपने उद्योग के कुछ आर्थिक गतिविधियों के खुलने का प्रबंध किया था, उस समय मानो पहला गियर लगाया था, तो आज ये मान के चलो कि कल से हम दूसरे गियर में आए हैं और ये लगातार बढ़ते बढ़ते हम आशा करते हैं कि 3 मई को लॉकडाउन का कोई ना कोई चाहे समाप्त होगा और नहीं समाप्त होगा तो लॉकडाउन रखते हुए भी जो इसमें छूट दी जाएगी उस छूट के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और हम अपनी जिंदगी को पटरी पर लेकर के आएंगे। इसको हम ऐसा ना समझें कि एकदम ये बंद हो गया, धीरे धीरे चलेगा और पूरी हम अपने सिस्टम को ठीक करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी जो शेष है, जिंदगी जो शेष है वही विशेष है, इसलिए हम जिस फेज में अब आए हैं इस फेज के आगे अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना, उसको ठीक ढंग से आगे बढ़ाना, चलाना और उसी का आनंद लेना, ताकि हम अपने जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ी को ठीक सुरक्षित सुरक्षित ढंग से एक अच्छा भविष्य दें। यही आपसे मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।